इंडिया में पॉपुलर कंपनियों की फेमस गाड़ियां कौन सी हैं? जी हाँ, मैं आपको 10 कार कंपनियों की फेमस कारें बताऊंगा जो कि फेमस हैं। तो जानते हैं इस वीडियो में, चलिए शुरू करते हैं। टॉप लिस्ट प्रोवाइडर, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें नई नई वीडियो देखने के लिए। मारुति। मारुति कंपनी की जो फेमस कार है वो स्विफ्ट है, बलिनो भी कह सकते हैं लेकिन स्विफ्ट है। स्विफ्ट 5-सीटर हैचबैक कार है और सिर्फ आपको पेट्रोल इंजन के ऑप्शन में मिलती है और दोनों ट्रांसमिशन के ऑप्शन में। इस गाड़ी में जो इंजन मिलता है 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन मिलता है और गाड़ी की जो कीमत है 5,19,000 रुपये से शुरू होकर 8,02,000 रुपये तक जाती है। हुंडई। हुंडई कंपनी की जो फेमस कार है वो हुंडई क्रेटा है। क्रेटा 5-सीटर SUV कार है और डीजल और पेट्रोल दोनों इंजनों के ऑप्शन में ये गाड़ी मिलती है और दोनों ही ट्रांसमिशन के ऑप्शन में, ऑटोमेटिक और मैनुअल के में। इसमें पेट्रोल में दो इंजनों का ऑप्शन, 1.4 और 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन और तीसरा डीजल का मिलता है 1.5 लीटर इंजन। गाड़ी की जो एक्सशोरूम कीमत है 9,81,000 रुपये से शुरू होकर 17,31,000 रुपये तक जाती है। फिर आई होंडा। होंडा कंपनी की इंडिया में फेमस कार होंडा सिटी है। बेस्ट कार भी यही है और फेमस कार भी यही है। ये 5-सीटर सेडान कार है और डीजल और पेट्रोल दोनों इंजनों के ऑप्शन में और दोनों ही ऑटोमेटिक और मैनुअल ट्रांसमिशन के ऑप्शन में। इसमें 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन और 1.5 लीटर डीजल इंजन का ऑप्शन। गाड़ी की जो एक शोरूम कीमत है 10,89,000 रुपये से शुरू होकर 14,64,000 रुपये तक जाती है। टाटा। टाटा कंपनी की इंडिया में जो फेमस कार है वो नेक्सॉन है। बेस्ट कार में भी यही आई है और फेमस में भी। नेक्सॉन 5-सीटर कार है और डीजल और पेट्रोल दोनों इंजनों के ऑप्शन में और ऑटोमेटिक और मैनुअल दोनों ट्रांसमिशन के ऑप्शन में। इसमें 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन और 1.5 लीटर डीजल इंजन का ऑप्शन। गाड़ी की जो एक्स शोरूम कीमत शुरू होती है 6,99,000 रुपये से शुरू होकर 12,70,000 रुपये तक जाती है। फिर आइए महिंद्रा। महिंद्रा कंपनी की जो फेमस कार है वो थार है। थार 4-सीटर SUV कार है और गाड़ी डीजल और पेट्रोल दोनों इंजनों के ऑप्शन में। इसमें 2 लीटर पेट्रोल इंजन और 2.2 लीटर डीजल इंजन का ऑप्शन। गाड़ी में दोनों ट्रांसमिशन का ऑप्शन मिलता है, ऑटोमेटिक और मैनुअल का। गाड़ी की जो कीमत है 11,90,000 रुपये से शुरू होकर 13,75,000 रुपये तक जाती है। फिर रेनो। रेनो कंपनी की जो फेमस कार है वो क्विड है। क्विड 5-सीटर कार है और पेट्रोल इंजन के ऑप्शन में। इस गाड़ी में दोनों ट्रांसमिशन का ऑप्शन मिलता है जो कि ऑटोमेटिक जो मिलता है 1 लीटर पेट्रोल इंजन वाले में मिलता है और 800cc वाले में सिर्फ आपको मैनुअल ट्रांसमिशन मिलता है। इसमें 0.8 और 1 लीटर पेट्रोल इंजन और गाड़ी की कीमत 2,99,000 रुपये से लेकर 5,12,000 रुपये तक की। फोर्ड। फोर्ड कंपनी की जो फेमस कार है वो फोर्ड इको स्पोर्ट है। इको स्पोर्ट 5-सीटर कार है और डीजल और पेट्रोल दोनों इंजनों के ऑप्शन में और दोनों ही ट्रांसमिशन के ऑप्शन में, ऑटोमेटिक और मैनुअल के में। इसमें 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन और 1.5 लीटर डीजल इंजन का ऑप्शन। गाड़ी की जो कीमत है एक्स शोरूम 7,99,000 रुपये से लेकर 11,49,000 रुपये तक की। फिर टोयोटा। टोयोटा कंपनी की जो फेमस कार है वो इनोवा क्रिस्टा है। बेस्ट कार में फॉर्च्यूनर आएगी और फेमस कार में इनोवा क्रिस्टा आएगी। ये 7-सीटर MUV कार है और डीजल और पेट्रोल दोनों इंजनों के ऑप्शन में और दोनों ही ट्रांसमिशन के ऑप्शन में, ऑटोमेटिक और मैनुअल के में। इसमें 2.7 लीटर पेट्रोल इंजन और 2.4 लीटर डीजल इंजन का ऑप्शन। गाड़ी की जो एक्स शोरूम कीमत है 16,26,000 रुपये से शुरू होकर 24,33,000 रुपये तक जाती है। फिर MG कंपनी की जो फेमस कार है वो MG हेक्टर है। हेक्टर जो है 5-सीटर कार है और पेट्रोल और डीजल दोनों इंजनों के ऑप्शन में। इसमें 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन का ऑप्शन मिलता है और 2 लीटर डीजल इंजन का ऑप्शन। गाड़ी में ऑटोमेटिक और मैनुअल दोनों ट्रांसमिशन का ऑप्शन मिलता है और गाड़ी की जो एक्स शोरूम कीमत शुरू होती है 12,83,000 रुपये से शुरू होकर 18,08,000 रुपये तक जाती है। फिर किया। किया कंपनी की इंडिया में जो फेमस कार है किया सेल्टोस है।
वैसे तो सोनेट भी इस वक्त फेमस हो रही है, लेकिन सेल्टोस पहले से ही फेमस है। ये एसयूवी कार है और डीजल और पेट्रोल दोनों इंजनों के ऑप्शन में और दोनों ही ट्रांसमिशन के ऑप्शन में ऑटोमेटिक और मैनुअल के में। इसमें 1.4 और 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन का ऑप्शन और 1.5 लीटर डीजल इंजन का ऑप्शन। गाड़ी की जो एक्सशोरूम कीमत है 9,89,000 रुपये से शुरू होकर 17,45,000 रुपये तक जाती है। तो मैंने आपको 10 कंपनियों की पॉपुलर कारें बताई हैं कि ये कारें हैं इस कंपनी की पॉपुलर। आपके हिसाब से कौन सी कंपनी की कौन सी कार पॉपुलर होनी चाहिए हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए।